प्रकार से मांग करते हैं कि चंद्रवंशी समाज के लिए जिस प्रकार से आप दूसरे समाज को आप छुट्टी घोषित करते हैं बिहार सरकार में, उसी प्रकार से बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि आज चंद्रवंशी के नाम पर आप पूरे बिहार वासियों को छुट्टी देने का काम करें और छुट्टी की घोषणा करें। ये हम लोग का चिर प्रसिद्ध मांग है। नमस्कार, आप देख रहे ससाटू, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त पूरे बिहार के सूबे में आप देखिएगा तो मगध नरेश जरासन महाराज की जयंती मनाई जा रही है। राजगीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी भव्य रूप से जरासन महाराज की जयंती मना रही है, और पटना सिटी में अगर देखिएगा तो यहाँ भी जरासन भवन स्थित चौक नई सड़क स्थित मना रहे हैं। तमाम जरासन यानी कि आप कह सकते हैं चंद्रवंशी समाज के लोग बैठे हुए हैं। हम इससे चंद्रवंशी समाज में आए हैं। हमारा एपिसोड है बदकट्टी बदकट, उसी बदकट्टी बदकट में यहाँ पर आए हैं। चंद्रवंशी समाज से जानकारी लेंगे। क्या आपका इतने बड़े समाज में एक दो सांसद, एक दो विधायक ही सिमट कर क्यों रह जाते हैं? क्या वजह है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह 75% आरक्षण देने का नाम घोषणा किए हैं, आपके समाज को कितना फ़ायदा कितना नुकसान है, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। क्या लग रहा है कि चंद्रवंशी समाज को जातीय जनगणना में जिस तरह का सर्वे किया गया है, सही दिखाया गया है या नहीं दिखाया, ये तमाम मुद्दे पर अब इसी बदकट मंच, बदकट्टी मंच पर आए हैं। और यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं चंद्रवंशी समाज के बैठे हुए हैं, हम चलते हैं सीधे चंद्रवंशी समाज के बीच में, ये क्या कहना चाहते हैं, चलिए मेरे साथ। अजीत चंद्रवंशी, अजीत जी, चंद्रवंशी समाज अभी भी बहुत लोग देखते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है, क्या वजह हो सकता है? चाहे वो राजनीतिक रूप से अगर देखिएगा तो उनका जितना हक मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि हमारे समाज में जो बड़े नेता हैं उनका ध्यान थोड़ा कम है समाज के ऊपर। अगर वो पूरे समाज को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से चंद्रवंशी के बिरादरी का, जो निचले तबके के भी हैं, उनका उद्धार होगा। सबसे पहले तो उनको अपने समाज के निचले तबके की ओर झांकना चाहिए, उनको डेवलप करने के लिए कुछ कार्यक्रम रखना चाहिए, तब जाके समाज का उद्धार होगा। मेरा नाम नित्यानंद सिंह चंद्रवंशी हुआ। नित्यानंद जी, तो सवाल है, पिछड़ा वर्ग होते हुए भी राजनीतिक रूप से चंद्रवंशी समाज को हक क्यों नहीं मिलता? देखिए, ये सर्वविदित है, चंद्रवंशी समाज को जितने भी राजनीतिक दल है भारत में सबने यूज किया। हमारी आबादी जिस समय गणना हुआ था 1947 में 3 point something था, और माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जब ये गणना कराए तो उसको 2 point something करा दिए। आप छोटी सी बात समझिए कि किसी की आबादी जो 1947 में ज़्यादा हो और 2023 चल रहा है, उस स्थिति में हमारी आबादी कम कैसे हो गई, सबसे पहला बात ये। दूसरा बात कि जितने भी राजनीतिक दल हैं चंद्रवंशी समाज को यूज करने का काम किया, यूज एंड थ्रो, चाहे कोई भी दल हो, मैं दल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन आज मालूम चला कि 75% आरक्षण मिला है, तो 75% में हमारी आबादी आज 3% something है, पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, तो हमारी कम से कम 5 सांसद और कम से कम 15 विधायक होना चाहिए था। टिकट कितना को मिलता है? सिर्फ 1 को दिया जाता है। तो ये शोषण किया जा रहा हमारे समाज को, तो हम लोग कब तक शोषित रहेंगे, कब तक मेरा समाज शोषित चंद्रवंशी कहलाएगा? तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं अपनी आंखें खोल लें, नहीं तो आने वाले चुनाव में चंद्रवंशी समाज ऐसा पटकनिया देगा, ऐसा पटकनिया देगा कि चारों खन्ना चित होकर गिर जाएंगे और सत्ता बनाने का मोहताज हो जाएंगे। महाराजा सिंह सोनू। अच्छा सोनू जी, बताइए, चंद्रवंशी समाज आपकी आबादी काफ़ी बेहतर है, फिर भी एक दो सांसद, एक दो विधायक पर सिमट कर क्यों रह जाता है, क्या वजह है? ये चंद्रवंशी समाज के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, जो कि जनगणना भी जो किया गया बहुत गलत रिपोर्ट है। हम लोग भी आंकड़ा
जोड़ कर चलते हैं, जिससे पता चला कि एकदम ये गलत आंकड़ा जो सरकार अभी कराई है एकदम गलत है, और चंद्रवंशी को कहीं ना कहीं ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि चंद्रवंशी कभी दबने वाला नहीं है, लेकिन ये सब करने से कुछ होने जाना है नहीं, यही मेरा कहना है। क्या वजह हो सकता है, क्या सब पार्टी वही है क्या? ये वजह यही होता है कि ये लोग को लगता है कि चंद्रवंशी ज़्यादा अगर उठ जाएगा ऊपर हो जाएगा तो हम लोग को दबा ना दे। पहले तो बात है कि चंद्रवंशी समाज को शुरू से बड़गलाया जा रहा है, इसमें मेन कारण कि हमारे चंद्रवंशी के जो नेता है ना वही आपस में एक नहीं है। उन्होंने अपने एक कुर्सी के चलते विधायक का सांसद बनने के बाद वो अपना समाज को गरिमा को गिरा देते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी में जा करके वो लोग मतलब कि समाज के साथ सिर्फ उसको राजनीतिक खेल खेलते हैं। इसलिए हमारा समाज को आज भी जो कि नालंदा के धरती से जरासंध जी का आज हम लोगों का जयंती है, वहाँ पे मुख्यमंत्री गए हैं, वहाँ पर बहुत सा घोषणा करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे समाज को बड़गलाने के काम सभी पार्टी के नेता कर रहे हैं, चाहे किसी भी जाति को। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई पार्टी रहे, मैं पार्टी से नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा चंद्रवंशी समाज को अगर एक होने में अगर हम लोग एक हो जाएंगे ना, तो पार्टी कोई भी रहे उसको हमारे समाज के नीचे झुकना पड़ेगा और हमारा समाज अपना हक अपना स्वयं ले लेगा। इसलिए गिड़गड़ाने का मेरा किसी के पास नहीं है, इसलिए कि जरासंध जी का हम लोग वंशज है, हम लोगों खून हमेशा खोलते रहता, इसलिए समाज मेरा एकत्रित हो, इस पर हम लोग मेरा समाज इकट्ठा हो। हम बार बार हम अपने युवा समाज के सभी लोगों से यही कहता हूँ कि समाज इकट्ठा होकर लड़ के लीजिए, गिड़गिड़ाना हमको किसी पार्टी के पास नहीं, हम लड़ के लेंगे, मेरे पास खुद गिड़ के आवेगा पार्टी वाला, निर्दलीय लड़ेंगे, कोई ना भी देगा तो हम उसका पार्टी के हम निर्दलीय लड़के विधायक सांसद बनाने का शक्ति रखते हैं और वार्ड पार्षद अब मेयर बनाने का। डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हाल में जातीय जनगणना का सर्वे किया गया है, आपका जो जातीय जनगणना जो सर्वे हुआ है तो क्या वो सही है या नहीं? सही नहीं है। क्यों? चंद्रवंशियों की आबादी इसके पहले वाला में ज़्यादा था और इस बार तो कई घर में हम लोग भी पता कि वहाँ जनगणना करने वाले कर्मचारी गए ही नहीं, इसलिए हम लोग का कम से कम आबादी 4% है और एक साजिश के तहत चूँकि चंद्रवंशी जाति अत्यंत पीछे जाति में सबसे दबंग जाति है, तो उसमें जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो नीतीश जी हों या लालू जी, उन लोग को डर है कि इन लोग को सही आबादी अगर दिखा देंगे तो इन लोग ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग को जो है हकमारी हो जाएगा, जबकि सत्य यही है कि हम लोग उस मगध सम्राट जरासंध के वंशज हैं जिसने कृष्णा भगवान को 17 बार खदेड़ा था रणछोड़ना पड़ा, इसलिए कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दल के लोगों को डर है कि चंद्रवंशी समाज को अगर बढ़ाने लगेंगे तो कल होकर हम लोग उसके नीचे आ जाएंगे और हम लोग को पैरेलल में हुआ जाएगा, इसलिए जातीय जनगणना बिल्कुल ही गलत है और चंद्रवंशी समाज के साथ धोखा है। चंद्रवंशी समाज को कोई मेन मान्यता कोई देता नहीं है, इसलिए सब अपने अपने सीट अपने अपने चुनाव के लिए अपने अपने प्रचार के लिए सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जो है लगे रहते हैं, कोई समाज का कोई देखने वाला है न पढ़ने वाला है। हम लोग समाज में बहुत दूसरे अति पिछड़ा समाज के बच्चे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको शादी ब्याह का कार्यक्रम हो पहले होता था, लेकिन अब तो है कोई समाज में ऐसा एक्टिव आदमी है नहीं कि गरीब बच्चा को पढ़ाई लिखाए सवाई या कुछ भी है उसका सहायता करे अति करे सुधन करे। हम लोग समाज से चाहते हैं कि सब चंद्रवंशी समाज या कोई भी पार्टी में हो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मंच के नीचे आइए और अपना समाज को आगे बढ़ाइए। चलिए इसे बदकट और बदकट्टी मंच में तमाम लोग चंद्रवंशी समाज अपनी जो पीड़ा है वो उभर कर सामने आए हैं। किसी ने बताया है कि जो बड़े नेता है चंद्रवंशी समाज के वो इस पर तो ध्यान देते ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे तो विलुप्त होता जाएगा ही, चाहे वो सांसद है चाहे वो विधायक है। हमारा मकसद है आज जरासंध भगवान की जयंती है और इस जयंती में चाहे वो आरती हो चाहे वो पूरे धूमधाम से पटना सिटी स्थित चौक नई सड़क जरासंध भवन में मनाया जा रहा है। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।